नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेचर के उस चमत्कार के बारे में जिसकी वजह से आज मैं यह वीडियो बनाने के लिए और आप यह वीडियो देखने के लिए अस्तित्व में हैं। मैं बात कर रहा हूँ बारिश की। अगर किसी कारण बारिश का बरसना बंद हो जाए तो दुनिया में पीने लायक पानी बचेगा नहीं और सारी दुनिया उजड़ जाएगी। पृथ्वी के जीवन चक्र को बनाए रखने में बारिश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बारिश कैसे होती है, उसके पीछे क्या साइंस है, अगर आप नहीं जानते और अगर आप जानते भी हैं तो भी ये वीडियो आखिर तक देखना। आज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि आखिर कैसे जमीन पर पड़ा हुआ पानी अलग अलग स्टेजेस से गुजर कर दोबारा जमीन पर बरसता है, जिसे हम बारिश नाम से जानते हैं। पानी को दोबारा बारिश के रूप में बरसने के लिए कुल तीन स्टेजेस से गुजरना होता है, जिसमें शामिल है इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। इवापोरेशन यानी पानी का बाष्प में बदलना। दिन में सूरज अपनी गर्मी के कारण नदियों, झीलों, महासागरों और पानी के अन्य स्रोतों में एकत्रित पानी को गर्म करता है, जिससे पानी वेपराइज होकर बाष्प में बदल जाता है। हल्का होने के कारण यह जल वाष्प फिर वायुमंडल में ऊपर उठती है। यहां से कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही बाष्प ऊपर उठता है, ठंडी हवा के कारण यह ठंडा हो जाता है और तरल पानी की छोटी छोटी बूंदों में एकत्रित होने लगता है। ये बूंदें जब आपस में मिलती हैं, तो आकाश में दिखने वाला बादल बनता है। यहां से बारिश की तीसरी स्टेज प्रेसिपिटेशन की शुरुआत होती है। बादल में हवा पानी के बीच सैचुरेशन की प्रोसेस होती है, जिससे पानी की बूंदें आपस में मिल जाती है और तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हावी ना हो जाए। और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाए, पानी की बूंदें जमीन पर गिरने लगती है और हम इस बारिश को देखकर खुश हो जाते हैं। बारिश के पीछे यही सिंपल सी साइंस होती है जो हमने और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर सूचित करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।